I will teach you what is a dividend, what is a divisor, what is a quotient and what is a remainder. तो इसी समझने के लिए मैं लेती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. अवर एग्जाम्पल इज 40p डिवाइड बाय 3. ओके, तो सबसे पहले मैं इसको आपको डिवाइड करके बताऊंगी. जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं, ओके, 43 को हमने रखा अंदर और 3 को रखा हमने बाहर. अब 3 का टेबल पढ़ेंगे हम. 3 1 3 और 4 में से 3 माइनस होएगा तो आ जाएगा 1. अब ऊपर से हमने उतारा 3 तो हमारे पास नंबर हो गया 13. अब 3 के टेबल में 13 तो नहीं आता, बट 3 के टेबल में 12 आता है. ठीक है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 एंड 3 4 12. तो हमारे पास 1 जो है बैलेंस बच गया. अब इनमें से हमारा कौन सा क्वेश्चेंट होगा, कौन सा डिविडेंड होगा, कौन सा डिविजर होगा और कौन सा रिमाइंडर होगा, वो मैं आपको बताती हूँ. जो हमारा आंसर आएगा ये मेरा होता है क्वेश्चेंट. ओके, जिसको हम डिवाइड करते हैं, जो इस ब्रैकेट के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड. जिससे हम डिवाइड करते हैं अंदर वाले इंटीजर को, उसे हम कहते हैं डिविजर. और जो हमारा बैलेंस बच जाता है नीचे, वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर. ओके, क्वेश्चेंट, डिविडेंड, डिविजर एंड रिमाइंडर. अब ये डिविडेंड और डिविजर के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इसके लिए एक छोटी सी निशानी बता देती हूँ. बड़ाई वाली स्पेलिंग जो होती है वो डिविडेंड, जो बड़ा वाला होता है वो अंदर होता है, यानी जिसकी स्पेलिंग बड़ी होगी वो हमारा अंदर वाला, और जिसकी स्पेलिंग छोटी होगी वो हमारा बाहर वाला होगा. क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिविजर और डिविडेंड लगभग डी डी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो एक निशानी बना लो, छोटी स्पेलिंग बाहर वाला और बड़ी स्पेलिंग अंदर वाला. होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवर वीडियो.